Assalamualaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher Government UPS Balrama, Zone Mawar. Today is 6th of May 2021. And the subject is science. And this is class 8. And we are discussing on the topic that is conservation of forests and wildlife. And we have learned so many interesting things regarding the same. And today we will learn few more interesting things regarding this forests and conservation of wildlife. And let's begin. तो जैसा कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, काफी चीजें हमने सीखी, लर्न की, कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें हमने सीखी. तो आज हम इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ और बातें सीखेंगे. तो आज हम पहले देखेंगे रेड डाटा बुक. ये रेड डाटा बुक क्या होती है? जैसे कि हमने कल वाले क्लास में देखा कि ऐसी स्पीशीज, कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे की कगार पर है. और उसमें हमने काफी एग्जांपल्स भी देखे. कुछ प्लांट स्पीशीज है, कुछ एनिमल स्पीशीज है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं. तो इन्हीं एंडेंजर्ड स्पीशीज की एक लिस्ट बनी हुई होती है, एक इंफॉर्मेशन बनी हुई होती है, इनका नाम उसमें लिखा जाता है. उसके सारी इंफॉर्मेशन इन, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एक बुक बाजार तक बनी हुई होती है. एनिमल्स के लिए अलग एक बुक बनी होती है जिसमें इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. कितने हैं, क्यों है, इनके क्या वजह है कि ये डिमिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या इनकी कितनी तेजाद मौजूद है, या क्या क्या क्वालिटीज है इनकी, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इनके, और किस किस एरिया में पाए जाते, जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, एक बुक्स बनाई जाती है, एक बुक होती है जिसमें इनकी वो इन्फॉर्मेशन होती है. उस बुक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं. सो व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज, इट इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज. जो कि मैंने आपको बताया कि रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक होती है, सोर्स जहां से हमें फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके बारे में, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में. वो काफी सारे रेड डाटा बुक्स मौजूद है. प्लांट्स के लिए अलग काफी रेड डाटा बुक्स है, एनिमल्स के लिए अलग है, और बाकी स्पीशीज के लिए भी रेड डाटा बुक्स मौजूद है. उसके बाद हम देखेंगे माइग्रेशन. ये माइग्रेशन क्या होते हैं? माइग्रेशन सिंपली हम कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने को, किसी पर्पज के लिए जाने के लिए हम उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. तो माइग्रेशन काफी पर्पज के लिए की जाती है. तो लेकिन यहाँ पे जो माइग्रेशन का मतलब है, ये जो कुछ एनिमल्स या कुछ बर्ड्स यहाँ पर खासकर बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से, एक फिनोमेना होता है जो चलता रहता है इनमें, कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ स्पीशीज जाती है अपना हैबिटेट छोड़कर दूसरे हैबिटेट में कुछ टाइम के लिए, ईयरली, साल में ये एक बार जाती है और एक खास पर्टिकुलर टाइम के लिए जाती है वहां पे. तो पर्पज क्या होता है उनके लिए? ब्रीडिंग पर्पज के लिए वो वहां पे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो जो टेम्परेचर है जिससे, जहां से वो जाते हैं दूसरी जगह पे, वो प्रीवियस हैबिटेट जो होता है वो उनको सूटेबल नहीं होता है ब्रीडिंग के लिए. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए. जब वहां ब्रीडिंग का पर्पज कंप्लीट करेंगे तो वहां के बाद, उसके बाद फिर वापस आएंगे. जैसे आप यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स देखते हैं कि विंटर में कुछ बर्ड्स यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम होता है. तो यहाँ पे उनके वो ब्रीडिंग प्रोसेस उसमें, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर होना जरूरी होता है, तो वो देश के बाकी हिस्सों में चले जाते हैं. तो आज आप देख लें, जब मार्च अप्रैल मई इस सीजन में वो आप नहीं देखेंगे, नए नए बर्ड्स आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कि वो वही बर्ड होते हैं जो विंटर में माइग्रेशन करते हैं और फिर समर में वापस आ जाते हैं. तो ये तो हो गया माइग्रेशन. तो एक और चीज जो हम इसमें देखेंगे वो है रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमने काफी फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ा, तो हमने फिर डिफॉरेस्टेशन भी देखा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे. तो
एक और प्रोसेस है, इसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया रिस्टॉकिंग ऑफ प्लांट्स, रिस्टॉकिंग ऑफ प्लांट्स। वो हो गया सपोज किसी जगह ऑलरेडी जंगल था, फॉरेस्ट लैंड था, फॉरेस्ट ट्रीज थे बाकी, तो उसको काटा गया, वो वहां पे अब खाली हो गया वो एरिया, उसमें फॉरेस्ट थे लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस तो उसको काटा गया, तो वो उस एरिया में फिर दोबारा जंगल लगाना, दोबारा पेड़ लगाना लेकिन उसी स्पीशीज के। जैसे सपोज किसी जगह देवदार का फॉरेस्ट है, देवदार और यानी सेट्रस पाइन, कायरू, देवदार, बुदुल, यानी सेट्रस पाइन वगैरह, तो उसके फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को अगर काटा गया सपोज 5-6 साल पहले उसको काटा गया, अब वो वैकेंट लैंड बन गया, उसके सिर्फ स्टेम्स ही रह गए वहां पे, तो उस एरिया में अगर दोबारा हम इस प्लांटेशन लगाएंगे, लेकिन हमें इसी यही देवदार और पाइन के ट्रीज लगाने हैं, तो इसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन दो तरह की होती है, एक तो ह्यूमन मेड रिसर्च, मान लो ह्यूमन बींग्स के जरिए मैन मेड रिफॉरेस्टेशन। वो क्या है, जैसे अब ये वैकेंट लैंड है जहां पे फॉरेस्ट की कटाई हुई है, वहां पे खाली एरिया है, रह गया है, तो इसमें अगर हम यहीं से आप प्लांट्स लगाएंगे मैन्युअली, हम खुद इंसान खुद प्लांटेशन करेंगे, इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सॉयल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट वगैरह, फॉरेस्ट के कुछ सब डिपार्टमेंट है जो ये काम करते हैं, जो इस एरिया में फिर नए ट्रीज लगाते हैं, तो अगर हम लगाएंगे, अगर इंसान लगेगा तो ये एक ह्यूमन रिफॉरेस्टेशन होगी, तो हम दोबारा इसको वहां पे जंगल तैयार करेंगे, फॉरेस्ट तैयार करेंगे। तो लेकिन दूसरा प्रोसेस है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जो आपके जो डिफॉरेस्टेटेड एरिया है, जहां पे डिफॉरेस्टेशन हुई है, जहां पे जंगलात कटाव हो गया है, तो अब वहां पे कुछ चांद पेड़ बचे होंगे, तो घने जंगल था उसको कटाव हो गया, तो वहां पे वो वैकेंट लैंड बन गया, तो लेकिन अगर हम इस लैंड को अनडिस्टर्ब छोड़ दें, अनडिस्टर्ब मतलब इस एरिया में हम ना कोई कल्टीवेशन करें, इस एरिया में ना कोई इंडस्ट्री लगाएं, इस एरिया में ना हम कोई किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज करें, तो बिल्कुल अनडिस्टर्ब रखेंगे इस एरिया में, तो आप देखेंगे कि कुदरती तौर उस एरिया में दोबारा जंगलात उगने शुरू हो जाएंगे, वो खुद खुद हो जाएंगे, उनके जो सीड्स वगैरह डिस्पर्सल ऑफ सीड्स उस एरिया में हो जाता है, वहां से खुद खुद छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़ निकलेंगे, उसी चीज के जो वहां पे प्रीवियसली थे, तो एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, तो उस एरिया में दोबारा फॉरेस्ट बन जाएगा, मगर वो ये तब मुमकिन है जब हम उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, लेकिन उस एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये तो ये ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स नहीं करेंगे वहां पे, इन हम नहीं ले जाएंगे इन जानवरों को, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को घास खिलाने वगैरह, क्योंकि वो अपने पाओ के नीचे फिर इन छोटे छोटे जिसको हम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल्स कहते हैं, पाओ के नीचे रोन देते हैं इन छोटे छोटे पौधों को, तो वो फिर डेड हो जाते हैं, वो नहीं उगते हैं, तो अगर हम बिल्कुल उसको डिमार्केटेड रखेंगे, अनडिस्टर्ब रखें, तो नेचुरली भी हो जाएगा, तो दो तरह से हम रिफॉरेस्टेशन, यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऐसे कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांट्स एंड ट्रीज इन रिफॉरेस्टेशन, ट्रीज ऑफ सेम स्पीशीज आर प्लांट्स विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो इफ द डिस्ट्रॉयड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट कैन री एस्टेब्लिश इटसेल्फ। यही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो जो मैंने आपको ये आपके लिए आप उसको बाद में नोट डाउन करेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर मींस कागज, क्योंकि कागज का काफी इस्तेमाल होता है, आपके बुक्स पेपर की बनी हुई होती है, या आपको कुछ एप्लीकेशन लिखनी है कुछ, उसके लिए आपको पेपर चाहिए, आपको किसी तरह की सर्टिफिकेट्स बनानी है उसके लिए पेपर चाहिए, कंप्यूटर पे कुछ प्रिंट आउट निकालना है उसके लिए पेपर चाहिए, सो पेपर इज यूजिंग वास्टली इन द वर्ल्ड, दुनिया में पेपर का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पेपर है ये प्लांट से ही बनता है, प्लांट्स को काट कर पेपर बनाया जाता है, एक टन पेपर बनाने के लिए कागज, एक टन पेपर बनाने के लिए हमें नियर अबाउट 17-18 फुल ग्रीन ट्रीज आर बीइंग कट टू मेक ए वन टन ऑफ
पेपर, एक टन पेपर को बनाने के लिए हमें कम से कम 16, 17 या 18, हम मान लेंगे 17 या 18 पेड़, बड़े पेड़ जो बिल्कुल फुल ग्रून होंगे, अपने शबाब पर होंगे, जो मोटे तकड़े पेड़ होंगे, उनको हमें काटना पड़ना है एक टन पेपर बनाने के लिए। तो अगर हम आप फिर आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में एक दिन में या एक साल में कितने कितना पेपर यूज होता है, आप अंदाजा लगाइए। ऑफिसों में, स्कूलों में, जहां जहां पे आप देखेंगे पेपर या बाकी चीजें, पेपर कप कप काफी बनती है, तो कितना या चीज कितना इस पेपर यूज किया जाता है। तो बाद में आप अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 17 ट्रीज के हिसाब से, तो ये कितने ट्रीज काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको बचाने के लिए, इन पेपर, इन ट्रीज को बचाने के लिए, तो ये भी एक काज बनता है फिर डिफॉरेस्टेशन का। तो वहां पे हम किस हिसाब से अपना रोल निभा सकते हैं, वो ये है कि हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया, जो एक तो हम इस रिसाइकलिंग में तीन चीजें हमें देखनी है। एक तो पहले हमें पेपर सेव करना है। सेव कैसे करेंगे पेपर? सेव हम ऐसे पेपर करेंगे जैसे हमें आप किसी जगह आपको 3 पेज इस्तेमाल करते हैं, आप दूर दूर लिखते हैं या ज्यादा दूर दूर लिखते हैं, लाइनें छोड़ते हैं, हम अपने लेवल पे कह रहे हैं। तो उसकी जगह हम 4 या 3 पेज की जगह हम 2 पेज ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हमारा काम चल सकता है। तो ये एक पेपर बच गया, तो ये भी सेव हो गया। तो एक पेपर हमने सेव किया, तो हम फिर एक एक पेपर हर कोई सेव करेगा, तो ये कितने पेपर समेंगे, कितने पेपर जमा हो जाएंगे, और ये कितने टन्स का ये फिर वेट बन जाएगा, और उसकी वजह से कितने सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। ये हो गया सेव। तो दूसरा सेव, मैं एक और छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, जैसे आप बच्चे स्कूल में रफ वर्क करते हैं, टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, कोई लेक्चर देता है, या टीचर आपको डेमोंस्ट्रेशन देता है, या टीचर आपको बाद में आपको बोर्ड से जो उसकी जो डेमोंस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज बोर्ड पर लिखी जाती है, या लेसन लिखा जाता है, या टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर दी जाती है, तो वो फिर क्लास वर्क में आप बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं रफ कापी में। रफ कापी आपके पास होती है, तो आप उसके नोट डाउन करते हैं, बाद में आप उससे घर में इस बाकी अपने अपने कंसर्नड नोटबुक्स पे उतारते हैं। जैसे साइंस का क्लास आपने ले लिया, तो साइंस की इन्फॉर्मेशन आप रफ पे उतारेंगे, जैसे मैथमेटिक्स का इन्फॉर्मेशन आपने इन्फॉर्मेशन उठाया रफ पे, फिर बाद में आप मैथमेटिक्स कापी पे उतारेंगे। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आप रफ पे नोट डाउन करते हैं, बाद में आप घर में उतारते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम इस रफ को, जो आप रफ कापी जो आप होती है, जो जो पेपर आप यूज करते हैं रफ के लिए, अगर आप उसको पहले पेंसिल से लिखेंगे, सपोज आपके पास रफ कापी है, इसमें 100 पेजेस है, तो अगर आप लेड से कलम से लिखेंगे 100 पेजेस, बॉल पेन से लिखेंगे 100 पेजेस, आपने 100 पेजेस लिखी तो ये खत्म हो गए। इसका मतलब है आपको फिर दूसरी 100 पेजेस या 50 पेजेस की कापी लानी है। तो इसके बरक्स अगर आप काम करेंगे इन 100 पेजेस को, इन या इन 50 पेजेस की कापी, रफ कापी को आप पहले पेंसिल से लिखेंगे, जैसे आपने यही रफ वर्क आपको उतारना है पेंसिल से उतारेंगे, तो 50 पेज जब पेंसिल से लिखे हुए भर जाएंगे, तो दोबारा बाद में इस आपको इस किसी ब्राइट इंक वाले पेन से जो चमकता हो ज्यादा होगा, जैसे ब्लू है, ब्लैक है, उसके बाद आप दोबारा इस पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये कि आपने एक बुक, एक रफ बुक सेव कर ली। तो आप खुद ही समझे कितने स्टूडेंट्स होंगे पूरे दुनिया में, पूरे अगर आप इधर अपने जून की बात करेंगे, कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं, ये कितना रफ इस्तेमाल, रफ कापियां इस्तेमाल करते होंगे। तो इसका मतलब है आपने इतने, इसका जो डबल कापियां यूज करनी थी आपने उसका 50% रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो हमने इसको सेव कर दिया पेपर, ये भी एक पेपर सेव करने का तरीका है। तो इसके बाद है ये तो सेव और रियूज हो गया, ये दोबारा हम ये रियूज में आएगा, पहले तो हमने सेव किया, तो अब ये रियूज हो गया, दोबारा यही पेपर हमने दोबारा इस्तेमाल, ये रियूज हो गया, यूज के बाद रियूज, एक बार आपने इस ग्राफ कॉपी को इस्तेमाल किया था, अब इस हमने इसको दोबारा यूज किया, तो ये हमने इस पेपर का रियूज किया, दोबारा इस्तेमाल किया। तो हो गए 2 चीजें, पहले पेपर सेव करना है,
दूसरा दूसरे दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर रियूज करना है, हमें दोबारा इस्तेमाल करना है। तो पेपर सेविंग में आप उस तरह भी पेपर सेव कर सकते हैं, जैसे आपने ये घर में पेपर इस्तेमाल किया, कागजियां इस्तेमाल की, या बुक्स इस्तेमाल किए, जो सिलेबस चेंज होगा या आपके लिए जरूरी नहीं है, उनको आपको सेव करना है, घर में जमा रखना है, या जो जितनी भी नोटबुक्स आप इस्तेमाल करते हैं बाद में वो आपके काम, आप दूसरी क्लास में चढ़ जाते हैं तो प्रीवियस क्लास की जो नोटबुक्स है, रफ कहते हैं वगैरह, इनको आप सेव करेंगे, घर में रखेंगे जमा जमा करके। ये हो गया सेव करना। फिर बताऊंगा मैं इनको क्या करना, फिर दोबारा, या वो जो रियूज मैंने देख बोला दूसरा, जैसे हम इन्हें रफ कापी को हम दूसरी बार यूज करेंगे, ये इसका रियूज हो गया। तो तीसरी चीज जो बैग में रहेगी, तीसरी चीज, जब आपने सारा कागज या आपके घर में पेपर इस न्यूज पेपर पहुंचता है, इसको आप जमा करके रखेंगे, इसको आप काट कर डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, या किसी तरह का पेपर भी आपको घर में पहुंचता है, किसी भी शक्ल में पहुंचता है, पेपर की बात मैं कर रहा हूं, तो इसको आप जमा रखेंगे, बल्कि न कि आप डस्टबिन में डालेंगे या बाहर फेंकेंगे, इसको बिल्कुल आप जमा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बैग में, आपको जो ये वेंडर कलेक्टर्स आते हैं जो ये पेपर कलेक्ट करते हैं, रेती वगैरह कागज, तो इनको हम ये पेपर दे सकते हैं जो ये बैग में हमने यूज करके जमा करके रखा है, इनको हम उनको देंगे, वो आपको एक तो आपको वो पैसे देंगे। सपोज अगर आपके पास 50 किलो का पेपर जमा हो गया, आपका अगर कुछ भी नहीं, कम से कम रुपया 100 आएगा, रुपया 200 आएगा, रुपया 50 आएगा, एक तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट इसमें आपको पैसा मिलेगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या हो जाएगा, ये जो पेपर है ये फैक्ट्री में वापस चला जाएगा, ये पेपर यूज्ड पेपर, तो वहां पे इसको दोबारा रिसाइकल किया जाएगा, इसी पेपर को फैक्ट्री में डालकर, मशीनों में डालकर दोबारा कागज बनाया जाएगा। तो इससे भी हम, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो ट्रीज कटने वाले थे इस पेपर की शॉर्टेज से, इसकी ये जो पेपर हमने सेव किया तो वो बच जाएंगे, जहां पे हमें 50 पेड़ काटने थे मिसाल के तौर पर, वहां पे आप 25 ही काटने हैं, या आप वहां पे आप 30 ही काटने हैं, तो इस तरह से हम इन ट्रीज या फॉरेस्ट को भी सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और एक और चीज इस रिसाइकलिंग का पेपर में हमें बेनिफिट है, इसमें एक तो पेपर बनाने के दौरान एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पावर का इस्तेमाल होता है, या बाकी एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने के दौरान मशीनें वगैरह फैक्ट्रियां इस्तेमाल की जाती है, और इसमें वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, काफी पानी लगता है पेपर बनाने के दौरान। तो जब हम इन रिसाइकलिंग का पेपर करेंगे, तो एक तो हमें ट्रीज बच जाएंगे, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होने से बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटने से बच जाएंगे, और दूसरी चीज हमें एनर्जी बच जाएगी, जो एनर्जी जो पावर इसमें हमें लगेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगेगी, वो भी हमें जो ज्यादा ज्यादा पेपर बनाने में लगा, वो भी हमें बचेगा, और जो पानी इसमें लगता है, वाटर का खासा इस्तेमाल होता है पेपर बनाने के दौरान, मिल्स में, मशीनों में, फैक्ट्रीज में जब पेपर बनता है वहां पे काफी इस्तेमाल होता है पानी का, तो वो पानी भी जाया होने से हमें बच जाएगा। तो काफी फायदे हैं इस चीज के। तो इसी इन्हीं चीजों के साथ तो वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर दिस लेसन दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमने आज खत्म किया, एंड किया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक वेरी वेल, एंड आई विल आल्सो अपलोड दिस इंफॉर्मेशन विच इज रिटन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड along with the video in your WhatsApp group. You will learn, you will see, you will watch, and you will try to learn from the useful things from it. Inshallah, tomorrow we will do this exercise portion, and you will also note down those exercise portions of this chapter. So, any words ke saath main aapse alvida chahunga. And और आपने आपका ख्याल रखेगा, आप यूज दिस फेस मास्क इफ यू
नीड टू गो आउटसाइड योर होम्स, अगर आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, बेटर इज टू स्टे एट होम। अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कोई नीड है, कोई जरूरत है, जाना पड़े तो डबल मास्क, एक या तो दो दो मास्क का इस्तेमाल करो या एक स्ट्रांग मास्क का इस्तेमाल करके आप बाहर जाएंगे और दिन में दो तीन बार हैंड वॉश करेंगे साबुन के साथ या लिक्विड सोप अगर आपके पास है, डेटॉल वगैरह तो वो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं है तो सोप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जो कॉमन सोप आपके घर में होती है। तो इसके साथ साथ अगर हैंड सैनिटाइजर आपके पास मौजूद है तो वो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर 5-6 बार दिन में हाथ पे लगाएंगे तो इसकी वजह से आप अपने आप को इस डेडली कोरोना वायरस जो डिजीज आजकल पेंडेमिक बनी हुई है, फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो इनसे हम काफी हद तक बल्कि अपने आप को बचा सकते हैं और इंशाल्लाह हम इस बुरे दौर से सेहत सलामत निकलेंगे। टुमारो वी विल मीट अगेन, टिल देन इट इज गुड बाय फ्रॉम मी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।